प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फोन पर धमकी मिली है। एक शख्स ने अनजान नंबर से उनके भाई को फोन कर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने धारा 506 और 507 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के फोन पर अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी है। अमर सिंह ने पहले शास्त्री से फोन पर बात कराने की जिद की। लोकेश गर्ग ने उसे बताया कि महाराज फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। यह सुनकर फोन करने वाला शख्स गुस्सा हो गया और उसने धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने सोमवार की रात बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। छतरपुर के SP सचिन शर्मा ने बताया कि धमकी देने वाला व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात करना चाह रहा था। वो बेहद परेशान भी था। लोकेश गर्ग ने जब बात कराने से असमर्थता जताई तो वो धमकी देने लगा। SP ने कहा कि पुलिस से जल्द मामले का खुलासा कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों लगातार विवादों में हैं। नागपुर की एक संस्था ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में उन्हें अपनी शक्तियां साबित करने की चुनौती दी थी। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में अपना दरबार तय समय से पहले खत्म करके चले गए थे। हालांकि इसके बाद रायपुर पहुंचकर उन्होंने भरे दरबार में अपनी शक्तियों का लाइव डेमो दिया। इस बीच उनके विरोध और समर्थन में बयानों का सिलसिला लगातार जारी है।